हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजी और आप बने हैं एजी के साथ। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बिहारी स्टाइल में लिट्टी कैसे बनता है। सो दोस्तों, चलिए मेरे साथ वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। अगर आपको बनाना सीखना है तो कैसे बनता है आज हम आपको दिखाते हैं सिर्फ, और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको पसंद आती है ये वीडियो तो हम आपको बताएंगे कि उसका जो मसाला होता है वो किस तरीके से तैयार होता है। दोस्तों तो चलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, दिखाते हैं आपको कैसे बनता है लिट्टी। सो दोस्तों देखिए, ये जो बॉल बने हुए हैं, ये जो बॉल है इसके अंदर हमने मसाला भर चुके हैं ऑलरेडी, और इस तरीके से इसको, ये जो आप देख रहे हैं आटा, इस आटे को हम पहले गूंद लेते हैं और कुछ देर के लिए उसको मैरिनेट होने के लिए हम छोड़ देते हैं कि जिससे उसमें सॉफ्टनेस आ जाए। और सॉफ्टनेस आने के बाद में दोस्तों हम उसका इस तरीके से बॉल बनाते हैं और उसके अंदर इस मसाले को हम भरते हैं। उसके बाद हम इसे किस तरीके से सील करते हैं दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं एक मिनट। तो दोस्तों देख रहे हैं, हमको इस तरीके से उसके अंदर में हम उसको धीरे धीरे से दबाएंगे और धीरे धीरे तरीके से इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए सारी तरीके से अच्छी तरीके से इसको हम रैप करेंगे, जिससे उसमें मॉइस्चर जो कहीं से भी अंदर ना जा सके। और इस तरीके से उसको हम फोल्ड करके पूरे एक छोटा सा डो टाइप तैयार करेंगे दोस्तों। और अभी देखिए, आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से हो जाता है ये सारा होने के बाद। ये देखिए दोस्तों, सो जो आज हमने आपको जो इस तरीके से डो को तैयार कर दिया दोस्तों, और अब हम आपको दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से इसे पकाया जाता है दोस्तों। तो चलते हैं आपको दिखाने के लिए। और दोस्तों ये है उसका जो मसाला, इसे हम कहते हैं सत्तू, जो चने की दाल का बनता है, जिसमें हम मिर्ची, लहसुन और हल्का सा हींग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ इसको मैश करते थोड़ा सा पानी डालकर दोस्तों, और उसको इस तरीके से बनाते हैं जो थोड़ा सा भुरभुरा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये पकाया जाता है। सो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये पक रहा है, जिसे हम कोयले में पका रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से जब उसका कलर चेंज होता है दोस्तों, देख रहे हैं आप किस तरीके से उसका कलर जो चेंज हो रहा है, इस कलर को चेंज होना चाहिए दोस्तों, तब जाके इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये आपका रेडी हो चुका है। सो दोस्तों हम उसको एक पकने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से पक के रेडी होता है। सो वीडियो के साथ बने रहे अंत तक, और हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से रेसिपी तैयार होती है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी लिट्टी अब तैयार हो चुकी है, जिसे हम कुछ देर के बाद इसे थोड़ा सा सूखे कपड़े से आप इसे पोंछ लेंगे। और आपको किसके साथ खाना पसंद करते हैं दोस्तों, तो इसका हम घी के साथ हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उसके खाने से इसका स्वाद और उसका जायका ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो हम इसको साफ़ करके उसके बाद इसमें हम घी लगा के उसको मैश कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त एजी, आपको तो पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नई रेसिपी में।